Hello friends, most welcome to English Advantage online classes. Friends, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के कुछ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे. ये डबल फिलर्स के डबल पार्ट्स के स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को. मेरा नाम है बसंत सिंगल, और YouTube के अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, और अनअकैडमी की लाइव क्लासेस भी आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये टाइप वन की एरर हैं. एक्चुअली मैंने कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं, तो टाइप वन के क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताऊंगा, और टाइप टू और टाइप थ्री के जो क्वेश्चन हैं, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं और इस समय पूछे जा रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे. यदि अनअकैडमी पर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, और इसमें चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. किसी भी दो पार्ट में इसमें एरर है, और वो जो एरर है वो ग्रामेटिकल भी हो सकती है, वर्ड रिलेटेड भी हो सकती है, कॉन्टेक्चुअल भी हो सकती है, किसी भी तरीके की वो एरर हो सकती है. तो वो जो दो एरर्स होंगे उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वही आपका आंसर होगा. तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, विद द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर चेंजिंग एट सच रैपिड पेस. एक्चुअली ये होना चाहिए एट सच ए रैपिड पेस, यहाँ पर ये होना चाहिए सच ए रैपिड पेस. स्टूडेंट्स, यानी एक इसमें सी पार्ट गलत हो गया. स्टूडेंट्स नीड टू, नीड सही है, नीड टू बी शार्पन्ड एंड चूज अ करियर वाइजली. देखिए, शार्पन्ड का क्या मतलब होता है, जिसको शार्प किया जा चुका है. लेकिन स्टूडेंट, क्या हम स्टूडेंट को फिजिकली शार्प करेंगे जैसे हम नाइफ को शार्प करते हैं? तो इसलिए शार्पन्ड वर्ड जो है ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए सही है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए शार्प कहना सही होगा. स्टूडेंट्स नीड टू बी शार्प यानी इंटेलिजेंट, तो ये शार्पन्ड गलत है. तो सी डी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है. शार्पन्ड एक्चुअली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम शार्प बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है तेज तर्रार या इंटेलिजेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नो इंस्टीट्यूशन हाउएवर हाई इंक्लूडिंग द जुडिशरी शुड इंसुलेट वन सेल्फ फ्रॉम इम्प्रूवमेंट. देखिए, यहाँ पर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों ना हो, उसको अपने आप को इंसुलेट नहीं करना चाहिए, उसको उसको अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के अगेंस्ट, उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए. तो क्या यहाँ पर वन सेल्फ कहना सही होगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बात नहीं हो रही है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट सेल्फ, ठीक है. तो एक तो आपका ये डी गलत हो गया, इसमें ये डी गलत हो गया, और एक देखिए नो इंस्टीट्यूशन हाउएवर हाई, हाई क्या है, हाई एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे करते हैं हम, एडवर्ब से. तो हाउएवर जो है ये एक कंजंक्शन होता है, इसका जो एडवर्बियल फॉर्म है वो है हाउसोएवर, ठीक है, जिसका मतलब होता है चाहे कितना भी. तो नो इंस्टीट्यूशन हाउसोएवर हाई, या आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं हाउएवर हाई इट मे बी. तो ये हाउएवर गलत है, यानी बी एंड डी इसमें आपका आंसर है. तो कभी कभी ये क्वेश्चंस भी काफ़ी काफ़ी ट्रिकी पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में. स्टडीज हैव शो, तो हैव का थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पर शोन होगा ये, ठीक है. तो एक तो इसमें ए पार्ट गलत है. स्टडीज हैव शोन दैट बिल्डिंग्स रोड्स एंड अदर हार्ड सर्फेसिस एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब सही है, इसमें एस नहीं लगेगा. एंड स्टोर हीट वेयर एज वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स हीट, वेजिटेशन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट्स, यहाँ पर रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि वेजिटेशन सिंगुलर है. तो ए एंड डी इसमें आपका आंसर होगा, ए एंड डी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेलियंट ऑफ स्पेस इन डिफेंस. देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आर जो आया है ये किसके लिए आता है, आर आता है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट होता है नाउन. सेलियंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, सेलियंस, जिसका मतलब होता है प्रोमिनेंस या इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेलियंस, एंड सेलियंस चूंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे इज,
तो सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल थ्री कंट्रीज यूएस चाइना एंड रशिया हैव सेट अप स्पेस कमांडोज, यानी ये कंट्रीज स्पेस डिफेंस सेक्टर में या डिफेंस इंडस्ट्री में या डिफेंस के लिए स्पेस की क्या वैल्यू है इसकी इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं और इसलिए उन्होंने स्पेस कमांडोज को नियुक्त किया है इन तीन कंट्रीज ने। तो द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस इज एविडेंट, यहाँ पर होगा सेलियंस और यहाँ पर होगा इज, यानी ए एंड बी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को चेक किया जा रहा है यहाँ पर। तो पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज जरूरी है और पार्ट ऑफ स्पीच का भी अप्लाइड वर्जन आपको आना चाहिए, अप्लाइड एस्पेक्ट की उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं इन ए कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट ईच प्रोजेक्ट, ईच अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है तो डिमांड सही है, डिमांड्स आर न्यू अप्रोच सो यू कीप डिस्कवरिंग, यू के साथ हम एस नहीं लगाएंगे इसमें, यू प्लूरल माना जाता है तो एक तो आपका ये सी गलत हो गया, यू कीप डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड दैट इज़ वॉट लर्निंग हैपन्स, दैट इज़ वॉट नहीं बोलेंगे इसमें हम, दैट इज़ वेयर लर्निंग हैपन्स, क्योंकि हम कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लर्निंग होती है तो यहाँ पर हम बोलेंगे दैट इज़ वेयर, तो इसको हम बोलेंगे सी डी इसमें आपका आंसर होगा, सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फार्मर्स वॉन्ट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी टू मेक अ सबमिट, देखिए ए के बाद हम क्या लगाते हैं, ए किससे पहले होता है, ए नाउन से पहले आता है, ए पेन ए बुक, लेकिन सबमिट क्या है, सबमिट तो बुक है, सबमिट तो वर्ब है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे टू मेक अ सबमिशन, यहां पर हम बोलेंगे टू मेक अ सबमिशन, और मेक अ सबमिशन मतलब किसी चीज को जमा करना, जैसे मेक अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर आपका बी पार्ट जो है ये गलत है यहां पर, ठीक है, और यहां पर चूंकि किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है फार्मर्स की, तो फार्मर्स के लिए हम क्या लगाएंगे यहां पर हिज एक व्यक्ति तो है नहीं, ये कई सारे व्यक्ति हैं, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे देयर, तो ये वाला जो पार्ट है ये किस में है, सी में है ये, तो बी और सी इसमें आपका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो लॉजिकल अप्रोच आपको अप्लाई करना है, जितना जितना ज़्यादा आप लॉजिकल सोचेंगे उतना एक्यूरेसी के साथ बैंकिंग क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्पेशल बेंच लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा एंटरटेन्ड एन एफिडेविट से पहले एन लगाया सही है, हैंडेड ओवर टू इट, ये इट किसके लिए आया है, इट आया है स्पेशल बेंच के लिए, इन ए सील्ड कवर बाय अ यंग लॉयर उत्सव सिंह बेंस हु क्लेम्ड ही वॉज इंटाइस्ड, उसने क्लेम किया कि उसको इंटाइस किया गया था, उसको लालच दिया गया था, पैसे का उसको लालच दिया गया था, किस लिए, ताकि वो टू फ्रेम चीफ जस्टिस इन ए फॉल्स केस, ताकि वो चीफ जस्टिस को एक फॉल्स केस में फंसा सके, फ्रेम कर सके। तो ये सेंटेंस सही है और इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज नो एरर, ये नो एरर वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट में भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं और लास्ट में भी इसको कहीं पे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मैक्रो इकोनॉमिक केस फॉर फ्री ट्रेड इज दैट इफ ईच पर्सन वुड डू ओनली व्हाट ही और शी डज बेटर देन एवरीवन एल्स, डज शी डज बेटर देन एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्सेस नहीं होगा, एंड ऑल वुड ट्रेड विद ईच अदर, एवरीवन वेलफेयर विल इंक्रीज, हर किसी का कल्याण होगा, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं चाहिए, तो इसमें सी एंड डी इसमें आपका गलत है, तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज सेड हिज गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोब द एलीज्ड अनह्यूमन ट्रीटमेंट, अनह्यूमन होता है या इनह्यूमन होता है, ये इनह्यूमन इसमें सही वर्ड है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, देखिए पहले कोई एक्शन होता है, कोई दुर्घटना होती है, उसके बाद हम उसका प्रोब करते हैं, उसकी जाँच पड़ताल करते हैं,
यानी आप आज यदि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई कोई जो दुर्घटना हुई है वो पास्ट में हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम मीट आउट नहीं बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे मीटेड आउट। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, जो मीटेड आउट का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना या होना, किसी के ऊपर घटित होना। तो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट पहले हो चुका है, तभी तो हम बाद में उसका प्रूफ करेंगे। तो ये है इन ह्यूमन और ये है होगा आपका मीटेड आउट। मीटेड आउट मतलब उस पर वो घटित हुआ है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू प्रज्ञा सिंह ठाकुर, यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर या प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट की इसमें बात हो रही है। और यहाँ पर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि वो इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर होगा इन ह्यूमन और यहाँ पर होगा आपका मीटेड आउट, तो बी एंड सी, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिकली सोचना है, जितना ज़्यादा आप लॉजिकली सोचेंगे इतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं और अलग तरह के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में कराऊंगा। तो यूट्यूब पर आप मेरे वीडियोस देखें और इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू आप ज्वाइन करें, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और वहाँ से आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।